एडीआर द्वारा सड़क सुरक्षा के तहत मोनिया इस्लाम स्कूल में शिविर, आज हुआ 3 दिवसीय शिविर का समापन। ट्रैफिक पुलिस ने बच्चों को दी जानकारी। एडीआर द्वारा सड़क सुरक्षा के तहत स्कूलों में चलाए जा रहे शिविर का आज मोनिया इस्लाम स्कूल में समापन हुआ। इधर ट्रैफिक पुलिस ने बच्चों को सड़क पर गाड़ी चलाते समय क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है उसकी जानकारी दी, साथ ही ट्रैफिक रूल भी समझाए। शिविर में उपस्थित हुए आयुक्त राकेश गोरा ने बच्चों से संवाद करते हुए बताया कि अगर आप 18 साल से कम आयु के हैं तो गाड़ी न चलाएं, और 18 साल वन है तो अपने साथ गाड़ी का लाइसेंस रखें, जो कि एक अच्छे नागरिकता की निशानी है। अभी हमने अजमेर में 3 दिवस का आज ट्रैफिक अवेयरनेस का अंतिम समापन के रूप में मोइनिया इस्लामिया स्कूल में ये कार्यक्रम रखा था। वैसे तो हमारे अवेयरनेस के प्रोग्राम निरंतर चलते रहेंगे हमारी अवेयरनेस टीम के माध्यम से, लेकिन हमारे जो स्पेशल जो रिसोर्स पर्सन हैं उनको शामिल करते हुए जिला विधिक्षा प्राधिकरण ने ये विशेष अभियान चलाया था। जो 11वीं और 12वीं के बच्चे हैं, टीनेजर हैं, हमारा प्रयास है कि वो बिना लाइसेंस के, क्योंकि 18 वर्ष से अगर नीचे के हैं तो बिना लाइसेंस के वो वाहन अगर चलाते हैं तो दुर्घटनाओं के तो चांसेज हैं ही, उसके अलावा उनके जुर्मा जो पेनल्टी है उसमें प्रावधान है उसके भी, वो न केवल वो और उनके पेरेंट भी भागी हो जाते हैं। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि जो इस एज ग्रुप में जो बच्चे अमूमन पेरेंट्स भी अलाउ कर देते हैं, ये बहुत गलत बात है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि हम उनको सेंसिटाइज करें, उन्हें बताएं अच्छा नागरिक बनने के लिए। ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी हमने दी, ट्रैफिक पुलिस की ओर से भी जो विभिन्न साइन बोर्ड जो होते हैं उनका क्या अर्थ होता है। कई दफ़ा हमें इतने साइन बोर्ड हैं जिनका जानकारी नहीं होने की वजह से भी कई दफ़ा जो है उनका उल्लंघन बच्चे या हम में से बड़ों में से भी कर देते हैं, तो उनका भी हमारा प्रयास रहा है। और बच्चे निश्चित रूप से हमारे देश के भावी नागरिक हैं, अगर ये लोग कानूनों के प्रति पालना करने में सिंसियर होंगे तो हमारा समाज एक अच्छा, हमारा देश अच्छे नागरिकों के रूप में और नियमों की पालना करने के रूप में जाना जाएगा। तो हमारा प्रयास है कि ये जो बच्चे हैं इनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अच्छे नागरिक ये बन सकें।